ये थोड़ी देर के लिए पंखे पंखे लो यार दोनों। भारत माता की जय। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद जो हमारे साथ के प्रदेश उत्तराखंड से संबंध रखते हैं और उत्तराखंड में कई बार संगठन मंत्री के रूप में भी पार्टी का काम किया है और माननीय मोदी जी के सरकार के 9 साल के पूर्ण होने पर जनसंपर्क अभियान के तहत आज पोटा साहब में जिला सिरमौर के कार्यक्रम में हमारे बीच में आदरणीय नरेश बंसल जी आए हैं। हम सब उनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय नरेश बंसल जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। साथ में हमारे बीच में देवों में गए मंत्री कोटा विधानसभा के लोग के लिए विधायक आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे बीच में हमारे जिला के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय विनय गुप्ता जी, 50 से हमारी लोकप्रिय विधायक आदरणीय रीना कश्यप जी, पूर्व में रहे हमारे मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय बलदेव भंडारी जी और हमारे पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व सभी कार्यक्रम में उपस्थित है। तो मेरा निवेदन है आदरणीय बंसल जी से कि वो अपनी बात को रखें। आदरणीय पत्रकार मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है 30 मई को विश्व के लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। वैसे तो प्रतिवर्ष हमारी प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हम अपने कामकाज का लेखा जोखा लेकर के मतदाताओं के पास जाते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जाते हैं। इस वर्ष भी 9 वर्ष पूरे होने पर 9 वर्ष में क्या क्या उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों में रही, चाहे वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, देश की गरिमा हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, दलितों का, वंचितों का, पीड़ितों का कल्याण हो, एक लाइन में अगर कहें तो 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की सारी नीतियां गरीब कल्याण पर फोकस है। सुशासन पर पूरा ध्यान रख करके मॉनिटरिंग की गई है, जिससे एक समय प्रधानमंत्री ने कहा था श्री राजीव गांधी ने कि मैं 100 रुपए भेजता हूं तो 15 रुपए पहुंचते हैं। आज की परिस्थिति में सुशासन में अगर 100 रुपए किसी लाभार्थी को मिलने हैं किसी चीज के तो पूरे के पूरे 100 रुपए उसके खाते में पहुंचते हैं। और गरीब कल्याण का आपने देखा ही है, चाहे वो जन औषधि केंद्र से सस्ती दवाएं हो, सस्ते मेडिकल इक्विपमेंट हो, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन हो, 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला के गैस कनेक्शन हो, 14 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो, स्वच्छता में, महिलाओं के सशक्तिकरण में, युवाओं को अवसर देने में, जनजातीय क्षेत्र को गौरव देने में, उनके महापुरुषों को गौरवपूर्ण स्थान देने में, बिरसा मुंडा का उदाहरण हमारे सामने। तो इस प्रकार 9 साल में 53,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे कई गुना गति से बना है। अगर आप देखेंगे तो 2014 के पहले और 2014 के बाद आपको दिखाई पड़ेगा 2014 तक जितने मेडिकल कॉलेज थे आज उसके दुगने मेडिकल कॉलेज, 2014 तक
कोई रफ्तार नहीं चाहिए। आज प्रतिदिन 2 डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, सप्ताह में 1 यूनिवर्सिटी खुल रही है। आजादी के बाद अटल जी की सरकार तक पूरे देश में 1 एम्स था, अटल जी ने 6 एम्स दिए, मोदी जी ने 9 साल में 15 एम्स दिए। स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक कदम जो पहले कभी सोचा नहीं गया, देखा नहीं गया, उसकी ओर हम आगे बढ़े। प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी 4.25 लाख किलोमीटर सड़क से गांव गांव को जोड़ा गया। आजादी के बाद भी 18,000 गांव 70 साल के बाद भी बिजली से वंचित थे। 1,000 दिन का समय तय किया गया, लेकिन 987 दिन में ही उस लक्ष्य को पूरा किया गया, 18,000 गांव में बिजली भेजी। महंगाई पर नियंत्रण है, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं हिचकोले खा रही है, मंदी का दौर है, लेकिन महंगाई पर नियंत्रण है और हमारी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में सबसे तेज गति से चल रही है दूरदर्शी नेतृत्व के कारण। विश्व के अंदर भी भारत का सम्मान बढ़ रहा है। अभी आपने देखा G7 के देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री जी गए, जहां वो 9 साल से पूरे विश्व के इकलौते नेता हैं जो 70% से ऊपर रेटिंग लेकर के सबसे नंबर 1 पर है। और अभी उनको PNG के देश में वो गए थे, वहां के प्रधानमंत्री ने सारा प्रोटोकॉल तोड़ करके संध्या के समय भी उनका स्वागत किया और स्वागत ही नहीं किया, उनके पांव छुए। ऑस्ट्रेलिया के दौरे में सिडनी में वहां के प्रधानमंत्री कहते हैं, मिस्टर मोदी यू आर बॉस, तो बहुत बड़ी बात है। G7 की मीटिंग में बाइडन, जो अमेरिका विश्व का दादा कहलाता है, वो भी प्रधानमंत्री से मिलने को इतने लालायित हैं कि आकर के उनके सीट पर मिलते हैं और कहते हैं कि आपके लिए जो भोज रखा गया है उसका जो टिकट्स थे वो सब इतने बिक गए, आप इतने पॉपुलर हैं अमेरिका में कि मुझे अब आपका ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, कूटनीति हो, विदेश नीति हो, आपने देखा है कि किस प्रकार से यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हम अपने यहां के 30,000 बच्चों को सकुशल निकालने में सफल हुए, बल्कि अन्य देशों के लोग भी तिरंगा लेकर के वहां से निकले, ये हमारी विदेश नीति और कूटनीति की सफलता है। सीरिया और इराक के युद्ध में भी हम 5,500 लोगों को वहां से निकाल कर लाए थे, अन्य देशों ने भी हमसे प्रार्थना की थी, उनके बच्चों को भी हम निकाल करके लाए। सीमाओं पर हम मजबूत हैं। आज हम मोदी जी ने जैसा कहा था कि ना हम आंख दिखाकर बात करेंगे, ना आंख झुकाकर बात करेंगे, आंख में आंख डालकर बात करेंगे, हर चीज का तुरंत उत्तर हमने दिया है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा कि पहले सैनिकों के साथ जम्मू कश्मीर में क्या होता था और आज क्या स्थिति है, सबको मालूम है। लेकिन जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ आवाज उत्तर दिया है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और पूरे विश्व के स्तर पर उनको अलग थलग किया है, ये हमारी नीति की सफलता है। तो इस प्रकार से, और भारत की जो सनातन संस्कृति है, गुलामी की मानसिकता को छोड़ते हुए अनेक चीजों में परिवर्तन किया गया है। आपने देखा होगा पहले बजट 28 फरवरी को आता था, शाम को 5 बजे आता था, हमने उसको अपने हिसाब से परिवर्तित किया है। अब बजट 1 फरवरी को आता है, सुबह 11 बजे आता है। हमने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया है, जिससे सबको अपने कर्तव्य का भी ध्यान रहे। जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति इंडिया गेट पर लगी है। तो इस प्रकार जो गुलामी के मानसिकता के थे, अभी 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि पंच प्रण लें, उसमें जहां बाकी चीजें हैं, अपनी संस्कृति का गौरव है, एकजुटता है, वहां ये भी कहा कि गुलामी की मानसिकता को हम छोड़ें। तो देश में एक परिवर्तन हो रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन उसी ताकत के साथ, उससे भी मैं कहूंगा ज्यादा ताकत के साथ, देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश विरोधी ताकतें,
उनके देश के अंदर स्लीपर सेल उस पंडित से वो भी एकजुट होकर के प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि सज्जन कोई सज्जनता से ज्यादा नुकसान होता है अगर वो चुप रहते हैं, बजाय इसके कि दुर्जन जो करता है, क्योंकि दुर्जन जो करेगा उसके बारे में जानकारी है। सज्जन के चुप रहने के कारण दुर्जन का आत्मविश्वास बढ़ता है, दुस्साहस बढ़ता है।